तो उसने उस चाकू से बच्चे को डरा के रखा था कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा, ये घटना आपको बताऊं तो गए संडे की है, और एक हफ्ते से वो बच्ची को रोज डरा रहा था कि किसी को कुछ कहा तो ये जो चाकू है इससे तेरे पापा को भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा। भाईंदर से शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इमरान 45 वर्षीय नामक तरिंदे ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। वही बता दें कि इमरान मीरा रोड के रामदेव पार्क में चिकन शॉप चलाता है। इस शर्मनाक घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और नौघर पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर हंगामा किए। बता दें कि विधायिका गीता जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इमरान बच्ची को चिकन काटने वाले चाकू से डरा रहा था। उसने बच्ची को कहा कि अगर उसने अपने माता पिता को यह बात बताई तो वह उसके परिवार और उसे जान से मार देगा। इस घटना के बारे में बोलना भी इतना दुखदायक और इतना कष्टदायक है कि क्या कहे। 4 साल की बच्ची पे ये जुल्म करना वाला शायद राक्षस के भी कैटेगरी से बाहर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैं बच्ची से मिली, उस बच्ची को वो एक हफ्ते से डरा रहा था कि ये जो लंबा, क्योंकि उसका जो बिजनेस है वो मटन और उसका है, तो उसके पास वो मटन काटने वाला इतना बड़ा चाकू था, तो उसने उस चाकू से बच्ची को डरा के रखा था कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा, ये घटना आपको बताऊं तो गए संडे की है, और एक हफ्ते से वो बच्ची को रोज डरा रहा था कि किसी को कुछ कहा तो ये जो चाकू है इससे तेरे पापा को भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा। इसलिए वो बच्ची बोल नहीं पाई, और ऐसे लोगों को जितनी कड़ी सजा दी जाए उतनी कम है। ऐसे लोगों को फांसी से भी कुछ बड़ी सजा हो, या मुझे तो उस देशों वाला कानून बहुत अच्छा लगता है जो जाहिर में उनको फांसी देते हैं या उनके हाथ पर काट दिए जाते हैं, उससे भी बदतर कोई सजा हो तो ऐसे लोगों को देनी चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मीरा बहन में क्राइम की रेशियो बढ़ते जा रही है, इस पर रोकथाम के लिए कैसे क्या कर सकते हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन को हम बार बार एक बार ये क्राइम का रेशियो आपको बोलूं, गए हफ्ते 13 साल की बच्ची के साथ हुआ, उसके पहले 11 साल की बच्ची के साथ हुआ, तो पुलिस प्रशासन में जागरूक होना चाहिए, उसकी दस्ते गश्ते बढ़ानी चाहिए। और जितना अब ड्रग का माहौल यहाँ हो रखा है, 11 साल 12 साल की बच्चियों को इसी तरह से फंसाया जा रहा है। अभी जो 13 साल की बच्ची का केस हुआ वो इसी तरह से हुआ, उसको रोज वो ड्रग देता था, अब वो ड्रग एडिक्ट हो गई तो उसके साथ ही वो जाना चाहती है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, मुझे लगता है कि पुलिस चाहे, क्योंकि आज मैं आपको खुलेआम ये कहूंगी कि पुलिस प्रशासन को सब पता होता है ड्रग कहाँ मिलती है, कौन से पान वाले के पास मिलती है, कहाँ से कौन उसका डीलर है और कौन कहाँ पहुंचाया जा रहा है। उसके बावजूद पुलिस जागरूक नहीं हो रही है, कुछ उनका भी स्वार्थ होगा इसलिए इस तरह के काम नहीं कर रही है वो, और इस तरह से हमारी बच्चियां सफर हो रही है। और ये जो रोष आप जनता में देख रही है बहुत वाजिब रोष है। वहीं बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए नौघर पुलिस स्टेशन के बाहर सभी लोग जमकर हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर आगे जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आइए जानते हैं पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। हम इस घटना का निषेध करते हैं, बहुत ही निंदनीय घटना है, इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। लेकिन आज हम लोग इसलिए आए थे कि जो पीड़ित का परिवार है उनको न्याय मिले, और जिसने दुष्कर्म किया है उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा मिले। इसीलिए हम ACP से भी मिले और PI साहब से ही मिले, और उन्होंने ये जानकारी दी है कि ऑलरेडी आरोपी को हमने अटक कर लिया है और FIR का काम फिरियादी का चालू है, और इसके ऊपर कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जितनी कड़क से कड़क कार्रवाई है वो कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे, इस तरह का आश्वासन हमें किया है। लेकिन भविष्य में भी ऐसी घटनाएँ दोबारा घटनी नहीं चाहिए, इसके लिए भी हमने पुलिस से बात की कि आप सभी लोग जो माँ बाप भी पहले इनिशियल स्टेज पे आते तो उनकी पूरी बात को सुनो, और आने वाले समय के अंदर अवेयरनेस और बढ़ाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो, तो हम इस घटना का फिर से निषेध करें। देखिए, इस बारे में मेरी जानकारी नहीं, मेरे नाम पूछा तो इमरान नाम बताया गया व्यक्ति का, बच्ची का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ मैं। और इमरान अपने परिवार के साथ रहता था, उसका परिवार फिलहाल ईद के हिसाब से गाँव गया हुआ है,
ऐसी जानकारी हमें मिली है, अगर उसने ऐसा भी कुछ किया है तो उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करने लगाएंगे जांच के बाद। क्योंकि अभी मैंने कहा कि आरोपी मेडिकल के लिए गया हुआ है, आने के बाद इसके जैसी कुछ आपके पास भी जानकारी है तो बताइएगा, हम पूरी ताकत लगाएंगे कि उसके अंदर और भी कार्रवाई।